अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बालों को जो है वो लॉन्ग से शॉर्ट तक जो है वो लेके जाने लगी हूँ। ठीक है, हमारे क्लाइंट बाज़ुकात इस तरह के हमारे पास डिमांड लेके आते हैं कि उनके बहुत खूबसूरत घने बाल होते हैं, लेकिन वो उन बालों को जो है वो बहुत शॉर्ट भी करवाना चाहते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो है वो काफ़ी लॉन्ग लेंथ से जो है वो बिल्कुल शॉर्ट लेंथ तक जो है वेज बॉब कटिंग करके दिखाने। और क्या होने वाला है जब एकदम से हम अपने क्लाइंट के हेयर्स की कटिंग जो है वो करेंगे, ठीक है, और पूरी टेल हमारे हाथ में होगी। और अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत लॉन्ग हेयर्स को जब एकदम से शॉर्ट कराते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जो बालों की लेंथ हम लोगों ने डिसाइड कर ली है, क्योंकि हम लोग ने जो है ऑलरेडी वीडियो क्लिप देख लिया है जिस तरह की ये कटिंग चाह रही है। ठीक है, ये वेज बॉब कटिंग चाह रही है कि जो बैक से बिल्कुल नेक इनका जो है वो खाली होगा और फ्रंट पे जो है वो चिन तक यानी कि लॉन्ग इनकी लेंथ जाएगी। उसके लिए हमें थोड़े से स्टेप्स की जो है 45 एंगल पे जो है वो इनके स्टेप्स बनाने की जो है वो ज़रूरत पेश आएगी। तो उसके लिए बालों को बहुत अच्छे से आपने जो है वो वेट कर लेना है। ठीक है, क्लाइंट के का सर थोड़ा सा आपने डाउन जो है वो रखना है और बिल्कुल सेंटर से आप थोड़ी थोड़ी जो है वो इसकी पार्टीशन करेंगे बिल्कुल बारीक बारीक, और इनकी आप जो है 45 एंगल पे जो है वो हेयर कट करने वाले हैं। ठीक है, अक्सर आप पूछते हैं ना कि 45 एंगल क्या है, तो आज ये कट हमारा जो है वो 45 एंगल पर ही जो है वो जाने वाला है। और सीज़र को हम एज अ पॉइंट कट के तौर पे जो है यानी कि सीज़र के साथ पॉइंट कट हम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी हम थोड़े से बाल और मज़ीद साथ में मिलाएंगे और उसकी भी सेम इसी मेथड के साथ जो है वो कटिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, अक्सर जो है मुझे कमेंट इस तरह के मिलते हैं कि सर को जो है बाजू का आपको ऐसे फील होता होगा कि जब कटिंग के दौरान हम सर को हल्का सा झटका देते हैं, तो इस चीज़ को आप समझा करें कि वीडियो जो है हम उस तरीके से नहीं चला रहे होते हैं। वीडियो को हम लोगों ने फास्ट किया होता है जिसकी वजह से अक्सर ऐसा फील होता है कि सर को हमने ज़ोर से झटका दिया है, हालांकि बिल्कुल रियल में ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं होता। जैसे अभी भी हमारी वीडियो जो है वो कुछ फास्ट चल रही है। ठीक है, अभी भी आप देख, अगर वीडियो को हम लोग बिल्कुल फास्ट ना करें और जिस तरह की वीडियो हमारी बनती है वैसे के वैसे ही अपलोड करें, तो ये घंटों की वीडियो जो है यानी कि कम से कम भी ये आधे पौने घंटे की वीडियो होगा, और इस तरह फिर आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतना लंबा वीडियो जो है वो देख सकें। इसी तरह अगर ये मेरे पास आधे घंटे की वीडियो थी तो मैंने इसे हाफ करके 15 मिनट में जो है वो कन्वर्ट किया है, तो जिसकी वजह से जो ज़ाहिर है जब सर को हिलाएं जुलाएंगे तो वो ऐसे फील होगा कि जैसे थोड़ा सा झटका लगा है। तो इस चीज़ को आप समझा करें और आप ऐसे कमेंट जो है वो मत किया करें। ठीक है, अच्छा, ये कट देखिए हमारा बिल्कुल जो लेंथ में हमें सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट कट के साथ जो है वो इसको बिल्कुल मिक्सिंग सा मच जो है वो कर देना है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने जो है वो नेक के पास से इसकी प्रॉपर जो है वो शेप कर लेनी है। अभी आपने आई थिंक बहुत सारी कटिंग्स जो हैं वो देख ली हैं, सीख ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप लोगों के लिए और मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी कटिंग्स जो हैं वो लेके आने वाली हूँ। ठीक है, लेयर्स कटिंग के बहुत सारे डिफरेंट मेथड जो हैं जो बिल्कुल लॉन्ग हेयर्स पे जो है लेयर्स की जाती हैं, उसमें बच्चियों को प्रॉब्लम शायद पेश आ रही है कि उनकी लेयरिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट एक जैसी दोनों साइड से नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए भी बहुत इजी मेथड मैंने आप लोगों के लिए तलाश किया है, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आऊँगी। और इसके अलावा मेकअप की रेगुलर वीडियोज़ भी मेरी दिन रात जो है वो अपलोड हो रही हैं। ठीक है, और मज़ीद डाइज के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आप मुझे कमेंट करते रहें, इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि जितने भी मेरे पास कमेंट है कोई एक कमेंट भी ऐसा ना रह जाए जिसकी मैं जो है रिक्वेस्ट पूरी ना कर सकूं। ठीक है, नेक एरिया को हम अच्छे से जो है वो क्लीन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी जो है हम नीचे वाले बालों के साथ ही जो है वो ब्लेंड करेंगे कटिंग में।
जो एयर टू एयर हमारे बाल हैं फ्रंट वाले, क्योंकि उनको हम लोगों ने बैक वाले बालों से जो है वो लॉन्ग रखने हैं, तो उनको हमने बिल्कुल सेपरेट जो है वो कर लेना है, ठीक है। अभी भी आप देखें कि हमने वन लेंथ में कटिंग की है लेकिन बैक पे रख के, लेकिन हमारे फ्रंट वाले बाल अच्छे खासे लॉन्ग हैं और बैक वाले बाल जो हैं वो शॉर्ट हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप फ्रंट पे रख के बालों को पोनी करके कटिंग करते हो, तो फिर इस तरह से कि आपके फ्रंट के शॉर्ट हो जाते हैं और बैक के जो है वो लॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा, जब भी आप पॉइंट कट करें तो बहुत एहतियात से किया करें, क्योंकि जो सीज़र होती है उसकी आगे से नोक वो काफ़ी बाज बार बहुत तेज़ होती है और अपना हाथ भी जो है वो कटने का डर होता है। तो जो हमारे बिगिनर्स हैं उन्हें चाहिए कि बहुत मोहतात रह के जो है वो इसको कटिंग को करें, ठीक है। पॉइंट कट जो ख़ास तौर पे जब करें तो वो बहुत एहतियात के साथ जो है वो कटिंग करें। Thank you.
मुझे तो अपनी बॉब कटिंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपको कैसी लगी फ्रेंड्स?